गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 6 जनवरी एंड मेरे साथ आज राइड पे हैं रोहित दिया अपनी मीटियोर 350 पे। हम लोग निकले हैं उत्तराखंड की राइड के लिए। ये राइड काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था एंड पहले सोचा था कि एक सोलो ट्रिप होगी, बट जब मैंने रोहित दिया को बताया कि ऐसे ऐसे मैं ट्रिप कर रहा हूँ तो ही सेड कि ही विल ऑल्सो ज्वाइन अलॉन्ग। तो हम दोनों इस समय निकल चुके हैं एंड हल्की हल्की बारिश भी हो रही है एंड हेलमेट पे सब आके ड्रॉप्स आ रखी हैं एंड मे बी आई थिंक कैमरे के लेंस पे भी ड्रॉप्स आ गए क्योंकि आपको दिख रहा होगा। तो आगे की राइड देखते हैं कैसी जाती है। अब हम लोग फर्स्ट टोल गेट पे आ चुके हैं जिसका मतलब है वी हैव डन 28 किलोमीटर्स एंड बस एक ही इस समय इच्छा है कि बारिश ज़्यादा ना हो और जैसे अभी मौसम साथ दे रहा है वैसे ही आगे भी साथ दे, क्योंकि बारिश में अननेसेसरीली स्पीड भी हमारी कम होगी और राइडिंग के समय रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो बस मौसम ऐसा ही रहे, बाकी सब एकदम बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं चल चुका हूँ 43 किलोमीटर्स एंड बारिश अब फिर से शुरू हो चुकी है और मुझे थोड़ी सी टेंशन अपने फ़ोन की है जो कि वाटरप्रूफ नहीं है और वाटरप्रूफ केस में भी नहीं है। और हमें थोड़ी ही दूर आगे एक टी ब्रेक के लिए रुकना था, इसलिए उससे पहले मैं अभी रेनकोट भी नहीं पहन रहा और बैग पर रेन कवर भी नहीं लगा रहा। अगर वहाँ पहुँचने के बाद भी बारिश हो रही हुई और लगता है कि आगे ज़रूरत है तो वहाँ पे रेनकोट और रेन कवर लगाएंगे। हम लोग ये जनता ढाबा पे रुके थे, यहाँ चाय पकौड़ा खा के अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़े से पकौड़े बच भी गए थे तो हम लोगों ने यहाँ रखे हैं, देखते हैं रहते हैं कि उड़ जाते हैं। बारिश कम से कम बंद हो गई है, विजिबिलिटी ठीक ठाक है, ठंड भी बेरेबल है 14 डिग्री सेल्सियस। सो वी हैव डन अराउंड 50 किलोमीटर्स नाउ एंड टाइम हो गया 8:50। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ से 15 मिनट से खड़े हुए थे, अब जाके ट्रेन आई है। इतनी छोटी ट्रेन थी। खोल दो भाई, हो सकता है एक और ट्रेन जा रही हो, पता नहीं। खुल गया खुल गया। तो हम लोग लखीमपुर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट लिया है गोला गोकर्ण नाथ वाले रास्ते के लिए। इस साइड ठंड अब बढ़नी शुरू हो गई है, वहाँ से वहाँ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। कितना मस्त लग रहा है ये शीप। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस। सो दे आर कलर कोडेड, पिंक पिंक वो डाल रखा है। हम लोग आए यहाँ पे मालवा ढाबा पे रुके। हम लोग यहाँ पे हम लोग वहाँ से पकौड़े लिए थे, वो भैया ने गर्म करके दी थी, मुझे सो नाइस ऑफ हिम। और चाय भी ज़बरदस्त है, क्वांटिटी भी इज़ वेरी नाइस। तो एक बार मैं आपको टूर कराता हूँ, पहले तो ये डॉगी, तो बाकी मैं आपको एक बार टूर कराता हूँ। ये है ये इनका पूरा किचन एरिया एंड देन यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना रखा है। इसका पीछे देखें आप, ओनर भैया क्या नाम है भैया आपका? सुखविंदर सिंह। हेलो भैया, गौरांग। बहुत बढ़िया बना रखा है आपने। तो कभी भी तो कभी भी आप लोग इस रूट से जाएं तो यहाँ पे ज़रूर रुके। पीछे भी देखिए कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने। तो ये था मालवा ढाबा, ये गोला और पीलीभीत वाली रोड पे पड़ेगा। तो हम लोग मालवा ढाबा से निकल चुके हैं। अब देखिए पीलीभीत रह गया 87 किलोमीटर्स एंड मौसम थोड़ा सा गर्म की साइड में हो गया है। यहाँ पे रुक के मैंने एक लेयर और जैकेट की डाली थी बिकॉज उससे पहले काफ़ी ठंड थी, बट अब उल्टा हो गया है। तो हम लोग गूगल मैप के चलते भरोसे चलते चलते एक अमीनाबाद टाइप के मार्केट में आ गए और आगे चलते चलते ये और भी डेंस होता जा रहा है। वहाँ पे आगे कुछ हो रखा है जिसकी वजह से डाइवर्जन कर दिया है। अब हम लोग और अमीनाबाद की गलियों में भटकने लगे हैं। तो ये काम चल रहा था जिसकी वजह से उधर ट्रैफिक रोका हुआ है, डाइवर्ट करा हुआ है। खैर हम लोग उस अमीनाबाद मार्केट से बाहर आ गए हैं। अब आई थिंक अभी भी हम लोग हैं सिटी रोड्स पे ही, हाईवे पे तो नहीं है। आई थिंक अभी हाईवे वाली रोड वापस मिल गई हमें।
लोग फाइनली एक बहुत ही अवेटेड लोकेशन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एंटर करने वाले हैं। 1988 में ये एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिला था एंड देन लेटर ऑन इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व। इसके अंदर अराउंड 65 वाइल्ड टाइगर्स हैं एंड बाय वाइल्ड आई मीन उनको खाना वाना नहीं दिया जाता है, अंदर ही जो डियर है उसी को हंट करके टाइगर खाना खाता है। सो इसी के थ्रू हम लोग निकलेंगे। इट इज़ वेरी अनलाइकली टू स्पॉट अ टाइगर, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड जानवर होता है ये, तो यहाँ पे स्पॉट होना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। है कज़न इधर नीचे उतारे, अरे मैं पकड़ा हूँ ना पीछे से, रुकिए थोड़ा, सीधे खड़े ना। ये हम लोग रोहित भैया की बाइक को यहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी में धंसे जा रही है। यस, टाइगर रिजर्व के बीच से तीन कनाल जाते हैं, एक सिफोन, एक खारजा और एक शारदा कनाल। आई थिंक दिस इज शारदा कनाल, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, बट यहाँ पर रुकना वॉज सो वर्थ इट। तो अभी भी हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही है। अब यहाँ पे पानी बहुत ही सही लग रहा है, एकदम शांत पानी, नो वेव। अरे अरे यस, एज आई वाज सेइंग कि अभी भी हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही है एंड पानी इतना अच्छा लग रहा है, इस समय ग्रीन दिख रहा है पूरा, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रीज, और एकदम वेव्स ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की हल्की वेव्स हैं। इतना अच्छा लग रहा है नीचे इस समय, आई डोंट नो कितना कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, बहुत ही सही लग रहा है नीचे देखने में। ये व्यू देखिए यहाँ से, यहाँ पे आई थिंक अब टाइगर रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, तो ये पूरा टाइगर रिजर्व था यहाँ पे ख़त्म हो गया। और ये देखिए यहाँ से व्यू, अभी भी चल तो फॉरेस्ट ही रहा है, बट आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल द टाइगर रिजर्व और नॉट, सम काइंड ऑफ फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। सो शॉर्ट ट्रिप अपडेट, हम लोग 267 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, टाइम हो गया है 2:13। ओ वाह, ये नहर फिर से आ गई यार, ये फॉरेस्ट वाला लुक तो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे, एकदम डेंस फॉरेस्ट है। ये देखो ये पेड़ का कोई पार्ट लेके जा रहे हैं। सो खतीमा अब यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है एंड टाइगर रिजर्व वाज अमेजिंग, वहाँ के व्यूज़, खास करके जो लेफ्ट साइड में आपके पूरे टाइम कनाल चलता है, बिट्टा जी बच के। सो खास करके आपके जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जहाँ भी कनाल चलता है, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। एंड नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर खतीमा, सो ये उत्तराखंड की स्टार्टिंग है। ओ वाओ यार, क्या व्यू है इधर का। सो ये मेरे राइट में जो है ये नानक सागर है, इट्स अ वाटर बॉडी, इसको कई लोग डैम बोलते हैं, पर टेक्निकली ये डैम नहीं है, इट इज जस्ट अ वाटर बॉडी। और ये बराज है इधर, इधर रुक के कुछ खाने पीने का देखते हैं क्या है। हम लोग नानक सागर के पास आ गए हैं, यहाँ का व्यू इज अमेजिंग। यहाँ पे हमें मिली है मैगी, तो ये खाकर आगे बढ़ेंगे गुरुद्वारा नानक मत्था के लिए। नानक सागर देखने के बाद हम लोग आ गए हैं नानक मत्था गुरुद्वारे में। ये मेरे राइट हैंड साइड में नानक मत्था गुरुद्वारा है। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव द मीन्स टू गो इनसाइड, हमारे पास लगेज है एंड पूरा गेयर पहना हुआ है, उन सबको हटा के अंदर जाना पड़ेगा, सो वी विल नॉट बी गोइंग इनसाइड आज।
मे बी नेक्स्ट टाइम. अभी यहाँ से चलते हैं. वी हैव ट्रैवल्ड 332 किलोमीटर सो फार. अब हम लोग वापस से फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं एंड ये रास्ता जाता है सीधे काठगोदाम. हम लोग का स्टे आज मोस्ट प्रॉब्ली होगा कैची धाम में. अगर वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है तो वी माइट स्टे बिफोर ऑल्सो. दिस इज अ ड्राइड आउट रिवर, पूरी तरह से ड्राई. तो हम लोग काठगोदाम पहुँच चुके हैं और हम लोग को इधर राइट हैंड साइड में पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं एंड फॉग के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. सो भीमताल इज नाउ 16 किलोमीटर्स. वाओ यार क्या व्यू है इधर के. समय 5:50 और हम लोग फाइनली भीमताल पहुंच चुके हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे होटल देखना है एंड देन वील गो हैव डिनर. उसके बाद हम लोग निकलेंगे थोड़ा भीमताल एक्सप्लोर करने. तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे ट्रिप की लाइव स्टोरी अपडेट्स होती हैं. अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय.